भगवान जी का पुतला फूकना का मतलब कतल करने के बराबर है। 302 का मुकदमा जरा दर्ज होना चाहिए। साढ़े प्रधानमंत्री हिंदू ने तो हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है। सानू अज दुर्लानता हिंदू होने असी प्रभु श्री राम जी का बदला लेके रहेंगे। जे प्रशासन ने उन्होंने ना फड़िया, सरकार ने उन्होंने सजा ना दी, तो असी उन्होंने लभ लभ के मारांगे। साढ़े कोई बंदे हाथ लग जाते हैं तो असं उन्होंने बंदे दवांगे नहीं पुलिस को जो साढ़े हाथ लग जाएंगे। पहला तो भगवान श्री राम का पुतला फूका जाता, फिर वो वीडियो भी बनाई जाती है, कितना कितने कोई सियासी स्टंट नहीं लगता। असी राम मंदिर बनाने के सहमत हाँ, लेकिन राम जी का पुतला जलाया गया, अज मोदी कितने बैठा? मोदी जी क्यों अखा बंद हो गई है? क्यों जी जबान बंद हो गई है? ये सिर्फ अपनी राजनीति करियर का, इनू किसी नाल कोई मतलब नहीं, ना मोदी नू ना कैप्टन नू। जिहड़े लोग राम लीला करते ना, जगराते करते ना, अज वो संस्था कितने ना? ये पैसे इकट्ठे करन जोगे लोग ने। पिछले दिन पुलिस थाना लोपो के अधीन पिंड माना वाले के कुछ नौजवानों वालों भगवान श्री राम का पुतला फूकया गया सी, उसके नाल ही सोशल मीडिया से वीडियो बना के वायरल की गई सी। पुलिस वालों 27 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया सी, जिस दे विचों 8 व्यक्तियों को गिरफ़्तार कर लिया गया सी। बाकी व्यक्ति जो भगौड़े सन अज हिंदू संगठनों वालों पिंड माना वाला विच के पहुँच के उत्थे प्रदर्शन किया जा रहा। उन्हां वालों मंग की जा रही है कि बाकी के दोषियों भी फड़ के कार्रवाई की जाए। हालांकि उन्हें मांग की है कि उन्हें व्यक्तियों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। साढ़े इस समय हिंदू संगठन के आगू ने आओ उन्होंने नाल गलबात करते हैं। अज पिंड माना वाले पहुंचे हो जिथे भगवान श्री राम जी का अपमान भी किया, झंडा भी तुम तस्वीरों में देख सकते हो कि आगू वालों जो झंडा भी बढ़ा जा रहा। किस मुद्दे को लेकर अज तुम पहुंचे हो? देखो जी, मैं सतीश मायन, चेयरमैन उत्तर भारत हिमाचल प्रभारी शिवसेना पंजाब। असी अज इत्थे जिहड़े कुछ दिन पहले कुछ शरारती लोग भगवान राम जी का पुतला बना के चौंक विच उन्हां फूकिया सी, असी उस रोश करके अज इत्थे आए हां। मैं पुछना चाहना इस बीजेपी सरकार नूं, इस मोदी नूं मैं पुछना चाहना, कैप्टन सरकार नूं पुछना चाहना भी मोदी अज क्यों चुप करके बैठा? जे राम मंदिर बनाउण दा उहनूं शौक है, असी उहदे नाल हाँ, असी राम मंदिर बनाउण दे विच सहमत हाँ, लेकिन राम जी का पुतला जलाया गया, अज मोदी कित्थे बैठा? मोदी क्यों नहीं बोलता पिया? मोदी जी क्यों अखां बंद हो गई है? क्यों जी जबान बंद हो गई है? ये सिर्फ अपनी राजनीति करियर का, इनू किसी नाल कोई मतलब नहीं, ना मोदी नू ना कैप्टन नू। मैं ये पूछना चाहना कि जिहड़े लोग राम लीला करते ना, जगराते करते ना, अज वह संस्था कित्थे ना? ये पैसे इकट्ठे करन जोगे लोग ने, पैसे इकट्ठे करके ये राम जी के स्वरूप बनते ना। असीं कहिंदे ठीक है, रामलीला करना साडे अधिकार है, करने आ, लेकिन अज रामलीला करने वाले लोग क्यों नहीं बोलते? क्यों चुप करके बैठे देना? मैं इन्हां क्लबां नूं ये कहना चाहना भी अगर तुसीं इस स्वरूप की बेअदबी हुई है, तुसीं नहीं बोल सकते, तो तुहानूं कोई अधिकार नहीं है रामलीला करन दा। और कैप्टन सरकार ने अज तक जे इन्ने दोषी ने परचा आया, पंजाब पुलिस ने कम किया बहुत वधिया, गिरफ्तार किए ने, लेकिन साडी मंग है 295 ए छड़ के एक धार्मिक भावना है, भगवान जी का पुतला फूकना का मतलब कतल करने के बराबर है। 302 का मुकदमा जरा दर्ज होना चाहिए। कि मानते हो 2022 दी विधानसभा चोणां नजदीक आ रही, कितने कोई सियासी स्टंट नहीं लग रहा? हो सकता है, देखो तुहानू साफ नजर आ रहा सियासी है, अगर सियासी स्टंट ना होंदा तो क्या अज गिरफ्तारियां ना होंदिया? ये जिहड़े राजनेता ना ना वोट तो साढ़े को लैके चल जाते ना, वादे बड़े करते ना कि असी स्टूडेंटा का करावा, युवा नूं इह नौकरियां देंगे, ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਔਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਚਿੱਟਾ ਦਾ ਘਰ ਆ ਉੱਥੇ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ। ਅਗਰ ਉਹ ਟਰੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਫੜ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਫੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾ? ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੰਗ ਇਹ, ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ। ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦੁਬਾਰਾ? ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ
सानू अज दुर्लानता हिंदू होने मतलब कि साडे भगवान प्रभु श्री राम जी का इत्थे एडा बड़ा अपमान होया इस धरती से। यह धरती वो धरती आ श्री अमृतसर दी जिहदे विच पूरे वर्ल्ड दे विच मशहूर आ, पर इस धरती ते असीं देखना चाहुंदे कि ऐसी गंदी धरती थी जिथे प्रभु श्री राम जी का अपमान किया गया, वो किहड़े जलाद किहड़े ऐसे भैड़े लोग सी। सानू दुख है कहिंदे होए वी इन्ने दिन बीतण दे बावजूद जिन्हां बंदियां ने यह घटना की है वह पूरे लोग गिरफ्तारी च नहीं होए, वह पूरे लोगों नू शिवसेना च असी एक पन्न लिया सी वी पहला उस जगह का रोंड लावांगे पूरे पंजाब के शिव सैनिकों नू बुला के। अज करोना की भी कुछ मार सी, कुछ प्रशासन वालों सानू दबा सी, पहला सानू दुर्गाणा मंदिर तो असीं उरे आना सी, साडे काफ़ी शिव सैनिक आए पंजाब दे वख-वख शहरां चों, उत्थे प्रशासन ने रोक लिता, उहदे रोकण दे बावजूद भी असीं कमिटमेंट कीती सी उस जगह नू देखणा वी ऐसी गंदी जगह किहड़ी है जिथे प्रभु राम जी का अपमान किया गया। असीं अपने आप नू यह महसूस करते हुए असीं धर्म के ठेकेदार बनी फिरते हैं, बड़े बड़े संगठनों के हिंदू नेता बनी फिरते हैं, कोई फायदा नहीं सानू जीन का जब तक असीं उस अपमान का बदला नहीं ले सकते। असी सरकार अगे यही अपील करते हैं उन्होंने सारे बंद फड़ के फांसी लाई जाए, जिन्हें भी लोग मूवी के दिखते हैं सारे फड़े जान, हुण तक तो इन्होंने जोड़े लोग पहला फड़े गए उही उन्होंने कोई नहीं फड़िया गया। असी पन्न लेंदे आ, असी इस तो बाद एक मीटिंग करनी है, मीटिंग दे विच वैसे तो सानू संविधान ते प्रशासन ते पूरा विश्वास भी सानू इंसाफ मिलेगा, पर जे इंसाफ ना मिलिया असी अपनी जान भी देनी पई देन नू तैयार आ। असी प्रभु श्री राम जी का बदला लेके रहांगे, उन्होंने बंदे नू लभ लभ के मारांगे। असी शरेआम कहिंदे आ वे जे प्रशासन ने उन्होंने ना फड़िया, सरकार ने उन्होंने सज़ा ना दित्ती, तो असी उन्होंने लभ लभ के मारांगे जब तक सानू जीन का कोई नहीं। असी यह जीने नू जीना नहीं समझते, असी यह जिहड़े धर्म के ठेकेदार बनी फिरते हैं या असी वड्डे वड्डे संगठनों के लीडर बनी फिरते हैं, सानू दुर्लानता भी असी प्रभु राम जी का अपमान बर्दाश्त करी बैठे ने। अज प्रशासन वालों क्यों रोकया जा रहा है, तुहानू की कारण सीगा? प्रशासन नू सी वे असी किसी तरह का हंगामा करांगे, बिल्कुल साडे अंदर अग है, सानू मिल जावे उन्हां दा कोई अंश कोई वह भी असी उन्हों दिखावे वे किदा प्रभु राम जी का अपमान किया जाता। पर अज भी असी वचनबद्धा पे असी चाहे जिथे मर्जी हो दुनिया की कोने लुक जाओ उन्होंने लोगों को सज़ा दवा के रहा। की मानते हो पहला तो भगवान श्री राम का पुतला फूकया जाता है, फिर वो वीडियो भी बनाई जाती है, कितना कितने कोई सियासी स्टंट नहीं लगता? देखो ये तो बिल्कुल क्लीयर आ, साडे पंजाब दे लोगों के खून दे विच किसी भी धर्म का अपमान करन दी इन्नी जरूरत नहीं है। साडे लोग जिहड़े पंजाब दे चाहे वह गुरद्वारा साहब होवे चाहे मंदिर होवे चाहे मस्जिद होवे सब का सिर झुकदा, ये साडे खून च है। पर कुछ लोग जिहड़े ISI दे एजेंट जिहड़े किसे पंजाब का माहौल खराब करना चाहते ने उन्होंने लोगों दी हरकतां, पर सानू देखना चाहिए वी असीं पंजाब च रहिंदे ने जिन्हां लोगों ने चाहे वह अनपढ़ चाहे किसी भी कम्युनिटी नूं बिलोंग करदे ने जिहड़ा उन्होंने दुरसाहस किया गलत उन्होंने हुणे रोकना चाहिए उहदा बदला लेना चाहिए। पुलिस तो कार्रवाई कर रही है, उन्होंने बंदे दे छापेमारी भी की जा रही है, बंदे गिरफ्तार भी किए हैं? नहीं, पुलिस की कार्रवाई इन्नी ज़्यादा वधिया नहीं है, हुण तक कित्थे चल गए, जे पुलिस चाहे तो मतलब शराब के ठेकेदार फड़े जाते हैं, सट्टे वाले असी जो फड़ लेंगे चोरी वाले जो फड़ लेंगे, एडा जुर्म किया जिन्होंने भगवान का पुत्र साड़िया उन्होंने हुण तक क्यों नहीं फड़िया? वो सारे जो पुलिस चाहे सब कुछ कर सकती है, असी उही वाच कर रहे हैं। असी अज यही देखना था वे किहड़ा आ जा वो आ, असी यह अज सिर्फ देखा ही असी फैसला लवेंगे, हो सकता सानू ये वास्ते अगे आके उन्होंने आप इंसाफ लेना पड़ेगा। की करते हो तुम? असी मांग करते हैं उन्होंने तुरंत गिरफ्तार करके 302 के तहत परचा देकर उन्होंने फांसी लानी चाहिए है इसी जगह च लिया के। किस मुद्दे को लेकर अब दोबारा पिंड मानावाले के पहुंचे हो? अब मानावाले के पहुंचने का मतलब यही है कि 26 बंद FIR हुई है, फड़े हुए हैं 7। ये बिल्कुल जी हिंदू कमेटी है इनू बिल्कुल मंजूर नहीं है, प्रशासन पहला अपील फिर उस तो बाद जो सातों संघर्षकार होंगे वो करांगे, लेकिन एक बार असी अपील करते हैं कि जल्द तो जल्द 26 जिन्हें बंदियां ते FIR की है सारियां नू रेस्ट करो, उन्हें कार्रवाई करो, जे नहीं करते तो प्रशासन के खिलाफ सानू सड़कां ते उतरना पएगा, और जेकर साडे कोई बंदे हाथ लग जाते हैं तो असी उन्हें बंदे दवांगे नहीं पुलिस नू जो साडे हाथ लग जाएंगे। अगली पूरियां जथेबंदियां जिहड़ियां इकट्ठियां हो के संघर्ष करनगियां जी? हाँ बिल्कुल, एक एक मत च हिंदू लीडरी एक मत दे विच बैठी है, कोई भी अलग नहीं है, सारिया एको ही कमेटी बनेगी, साडे मीटिंगा चल रही ने। इस तो अगला प्रोग्राम तुहाडा की होगा? अगला प्रोग्राम सारी पूरी जथेबंदी जी सा पूरे पंजाब की है एक मत च होकर बैठ के मीटिंग लाएगी रणनीति करेगी। सो धन्यवाद। सो यह सन हिंदू संगठन के आगू जिन्हों वालों अज पिंड मानावाला विखे उस जगह का दौरा किया गया है जिथे श्री भगवान का पिछले दिन अपमान किया गया, जिन्हों का कहना है कि जिन्ना चर बाकी दोषी नहीं फड़े जाते उन्होंने वालों
प्रदर्शन जारी रहेंगे। कैमरामैन प्रदीप कुमार के साथ जगतार सिंह माला, स्काई न्यूज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, अमृतसर।